अनु जा रहे हैं बाहर सामान वगैरह लेने के लिए। स्कूटी बस निकाल रही है बाहर, वेट कर रही है अनु स्कूटी लेके। स्कूटी निकाल ली है, बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेना है। बच्चे अंदर हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ स्कूटी ले ली है, स्कूटी पे पीछे खोलो, ड्राइव कर रही है अनु। चल रहे हैं, जा रहे हैं दवा लेने के लिए और कुछ खाने पीने का सामान भी लेने के लिए। यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू। ये चाइना मार्केट, दुकान पे रुक गए हैं अनु भी, फुल्की खाएंगी। तो हम बहनों को फुल्की बहुत पसंद है, मुझे तो मीठा पसंद है लेकिन अनु को तीखा पसंद है। लेकिन ये मीडियम साइज़ वाली फुल्की बनाते हैं ये भैया, और इनकी फुल्की के जो ठेले हैं ना, बाप रे इतनी भीड़ रहती कि पूछो मत कितना। मैंने भी जम के फुल्की खाया, मस्त मज़ा आ गया। फिर उसके बाद मीठा फुल्की भी खाया और फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए। तो दवा के शॉप पर जाना था, फिर याद आया घर के लिए समोसा और रसगुल्ला ले लेते हैं। तो ये हुआ कि आगे वाले शॉप पर चलते हैं, पीछे वाले शॉप पर ना 8 रुपये पीस रसगुल्ला देता है, वहाँ वाला 6 रुपये पीस देता है। तो वजह से हम लोग आगे वाले शॉप पे चल दिए रसगुल्ला लेने के लिए। काफ़ी अच्छी वो भी दुकान है, और वहाँ से अक्सर हमारे यहाँ इमरती रसगुल्ले वगैरह आते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे और देखो गरम गरम रसगुल्ले तले जा रहे थे, और मुंह में देख के तो पानी किसके किसके आया पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पानी मत लाइए, स्वादिष्ट नहीं था लेकिन था अच्छा। तो उसके बाद हमने गाजर के हलवे को टेस्ट किया और बहुत ही मज़ा आया। मैंने कहा कि पहले एक ही पत्ता लेते हैं खाते हैं, फिर उतना भी नहीं अच्छा था कह सकते। उसके बाद हम लोगों ने रसगुल्ले पैक कराए और काले काले गुलाब जामुन देख के किसके मुँह में पानी आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो जो है ना हमारा, ये पुराना वीडियो जा रहा है लगभग 15 दिन पहले का, जब मैं मायके में थी। अब तो यहाँ पे आ गई वापस सुल्तानपुर, पर वीडियो बचा हुआ था, मैंने व्लॉग बनाया था। एडिटिंग करने का समय नहीं मिलता था कि कब वीडियो एडिटिंग किया जाए, तो इस वजह से इसलिए अब जा रहा है ये व्लॉग। हम लोग वापस मेडिसिन लेने के लिए और गाजर का हलवा खा लिया, अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक था भाई, टेस्ट करने के लिए लिया था। तो बस चल रहे हैं वापस हम लोग, चल भी वापस वगैरह लेकर के वापस चले। और अनु ने सर्व किया सबको रसगुल्ला, और घर में ऑलरेडी गाजर का हलवा भी बन रहा था, भाभी बना रही थी पता ही नहीं था। और यहाँ पे चली बच्चों के पापा बैठे हुए थे, बच्चों के साथ यहाँ पे खेले, तो बच्चे सब अपने में ही मस्त थे। इस तरीके का माहौल है, इसमें अनु के भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, भाभी की बिटिया, मतलब मेरे ही ज़्यादा बच्चे क्या, बाकी भाभी के कियारा और एक छोटी सी डॉलू, वो भी बहुत छोटी है। तो जब सब मिल जाते हैं ना तो इतना मज़ा आता है, पूछे मत। तो आज का वीडियो मेरा है कि व्हाट ईट अ डे, आज हमने क्या क्या खाया। इतना ढेर सारा एटीएम कार्ड रखी है, पैसों की भरपूर मालकिन है मेरी भाभी श्री, एक एक एटीएम कार्ड बांट रही है विद कोड के साथ ताकि सब संभाल नहीं रहा इतना पैसा, इसीलिए नंदो को बांट रही है, दे दिए, लूट लो, लूट लो भैया, लूट लो जल्दी। भाभी श्री इतना एटीएम लेके घूमती है, ओके ओके ठीक है। 1 लाख में क्या आएगा भाई, गाड़ी तो आएगी, आज स्कूटी तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, काली कटोरी गाजर का हलवा खा के काली कटोरी मिला। किडनैप कर लो ना भाभी को, लो भाई ले लो सट्टा खेलो सट्टा सट्टा। तो बस हो गई है रात, और बच्चों के लिए मैंने दाल चावल और सब्जी ले लिया है। मेरे बच्चे रात में दाल चावल सब्जी खाते हैं, और देख लो अर्श ने अपनी सैंडल तोड़ दी, ओफो अब नया खर्चा लग गया है भाई पूछो मत।
तो फाइनली रात में बच्चों को खाना वाना खिला करके यहाँ पे मैं डोलू से बात कर रही थी और बच्चों से बात कर रही थी, और इस तरीके से जा रहा है आज का डे। और ये वीडियो पुराना है तो मैंने सोचा पड़ा है मोबाइल में, लाओ इसको भी व्लॉग में डाल दिया जाए। कई वीडियो तो ऐसे है ना कि पुराना मैंने शूट किया है बट वो बहुत डिले हो गया है, तो मैंने वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिलता ना, तो यही हाल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सुबह आपसे मिल रहे हैं यहाँ पे टुक टुक के साथ। ब्रूनो की मस्ती देख लीजिए, घर का लाडला ब्रूनो है और इतना मतलब मस्ती चल रही है ना इनकी, पूछे मत। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।